चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित राजेश की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित राजेश कुमार की जमानत अर्जी विशेष कोर्ट ने विशेष रूप से बुधवार को खारिज कर दी है। ये जमानत राजेश के वकील शरद सिन्हा ने दी है। मामले में गवाही पर सुनवाई हो रही है। इसमें सीबीआई की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया जा सका। गवाही के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तिथि तय कर दी गई है। राजदेव हत्याकांड में राजेश कुमार 7 साल 2 माह से जेल में है। बीती 30 जनवरी को राजेश की जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि 13 मई 2016 को सिवान रेलवे स्टेशन के समीप हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई थी। पहले इस केस की जांच पुलिस कर रही थी, बाद में जांच सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन हत्याकांड में शामिल एक आरोपी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।